अब बहुत एडवांस पैसा मिल चुका है देख सकते हैं, तो इसमें है भाई 15,000 रुपया। और ये गाड़ी भी आ चुका है भाई, दोनों गाड़ी साथ में, एक इनोवा आ रहा है भाई। दारू का चेकिंग करवाने के बाद मेरा गाड़ी तो बीच में से छोड़ दिया, क्योंकि भाई लोकल गाड़ी मेरा है बनारस का, लेकिन जो बंगाल का गाड़ी था उसको उधर से भेज दिया। तो दो दो हाईवा इसमें लोड होके जा रहा है, वाह भाई वाह। और ये किसी कंपनी का है, जा रहा है काम होने के लिए। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू व्लॉग में भाई। आ चुका है सुबह सुबह गाड़ी को लेके लोडिंग करने के लिए लोडिंग पॉइंट पे। तो अभी हो रहा है भाई गाड़ी का साफ सफाई, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा गंदा हो चुका था। अभी गए थे कुछ दिन पहले, देखा होगा भाई गाड़ी लेके गए थे अपने जमीन पे, जमीन का प्लॉटिंग करवाने के लिए। तो इसमें भाई बालू गिट्टी सीमेंट वगैरह सब लदा हुआ था, इसलिए गंदा है। तो पोषण अभी साफ करेगा, तो दो गाड़ी जाने वाला है साथ में। बात करें सफर का, हमें कितना किलोमीटर जाना है, तो वाराणसी टू 750 किलोमीटर का अपना सफर होने वाला है भाई। गंदगी इतना ज्यादा था ना, ये देखो भाई इतना ज्यादा गंदगी था। तो अभी पूरा अपना डाला जो है वो साफ होके क्लीन हो चुका है, पूरा बालू है। पोषण लेके आया मेरे लिए नाश्ता, क्या लेके आया भाई? इडली। इडली मिल गया सुबह सुबह, चलो निकालो खाया जाए पटाख से हम लोग। तो भाई अपना नाश्ता लग चुका है यहाँ पे, इडली फ्राई और सादा इडली और चटनी, भाई एक नंबर बना, अभी जस्ट टेस्ट किया मैंने। तो फाइनली अपना पूरा सामान निकल चुका है, तो ये देख सकते हैं भाई इतना सारा सामान है यहाँ पे। इधर पूरा पैकिंग कंप्लीट हो चुका है, तो ये सब भी है, बाकी वॉशिंग मशीन है और इडली बनाने का मशीन है, ढांचा है, बाकी अंदर भी बहुत सारा सामान है। तो चलिए अब फटाफट करके गाड़ी को करवाते हैं लोडिंग। दोनों गाड़ी लोडिंग करना है, 2 से 2.5 घंटा टाइम लगेगा ही लगेगा, उसके बाद फिर निकलेंगे सफर पर। तो भाई काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली अपना अलमारी नीचे उतर चुका है, ये देख सकते हैं। तो ये फिसल रहा था, सीढ़ी में उतारने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। चलो सही सलामत उतर गया, इसको अभी रखते हैं सही सलामत और बांधना ही पड़ेगा सही से। चलो तो भाई काफ़ी मेहनत के बाद थोड़ा बहुत सामान अपना गाड़ी में लोडिंग हो चुका है, तो देख सकते हैं इतना पूरा हो चुका है लोडिंग। और ये गाड़ी को भी लगा दिया है, इसमें भी बाइक भी चढ़ेगा और बाकी इतना सामान यहाँ पर भी रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा और लगेगा सामान लोड करके पैकिंग करने में, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे जियागंज के लिए। तो चलिए फटाफट जो सामान बाकी है दोनों गाड़ी में लोडिंग करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। भाई यार दोनों गाड़ी का लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ से रस्सा करके निकलेंगे। रस्सा तो हो चुका है, तिरपाल नहीं मार रहे हैं, क्योंकि तिरपाल मारेंगे तो पीछे बैठने वाले बैठ नहीं पाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम है, गर्मी तो इतना है कि पूछो मत। तो जो बंगाल का गाड़ी हमने मंगाया था उसको भी लोडिंग कंप्लीट करवा दिया, और अपने गाड़ी का भी लोडिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस तिरपाल ऐसे ही फेंक दिया। रास्ते में अगर बारिश होता है तो ऊपर लगा लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। हमारे गाड़ी में एक लोग बैठाएंगे और इसमें पीछे दो लोग बैठ जाएगा, आगे एक लोग बैठ जाएगा। बाइक वगैरह आराम से इसमें रखा गया है, कोई दिक्कत है नहीं सामान में, सब कुछ सेफली आ गया है। तो चलिए अभी यहाँ से कुछ एडवांस पैसा लेंगे, और जिसका माल हम लेके जा रहे हैं वो भी अपने साथ में ही जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई गाड़ी खाली करवाना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल पीछे खाली जाली बांधना है, जाली बांधने के बाद फिर हम लोग अपना सफ़र करेंगे कंटिन्यू। तो लोडिंग कम्प्लीट होने के बाद में थोड़ा बहुत एडवांस पैसा मिल चुका है देख सकते हैं, तो इसमें है भाई 15,000 रुपया। अभी क्या है कि अपने साथ में जो गाड़ी वाला है उसको भी थोड़ा सा एडवांस देना है। दिखा दो भाई लोग यहाँ पे साथ में है, कैसे हो भाई? ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा भाई लोग आए हैं मालदा से, तो इनको भी ट्रांसपोर्ट से बुला के, मतलब जो ट्रांसपोर्टर है, और हमारे यहाँ पे भाई सब्सक्राइबर भी निकल गए हैं जो इनके साथ में है, तो भाई को थोड़ा सा एडवांस पैसा देते हैं, उसके बाद फिर साथ में लेके यहाँ से निकलेंगे, बाकी का जो पैसा रहेगा वहाँ पे जाके देंगे। तो अब भाई यहाँ से निकलने के लिए रेडी है, एक बार महादेव का नाम हो जाए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, बाबा जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आ चुके हैं भाई मेन रोड पे, एक गाड़ी लोडिंग हुआ था 80 घाट के बगल से, अब हम लोग को हाईवे पकड़ना, हाईवे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अब आ चुके हैं अपने ब्रिज के ऊपर भाई, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, एंड भाई कमेंट करके आप सब बताओ कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो। भाई काफी दिनों बाद यार टूर पे निकले, आप लोगों को पता ही है कि होली पूरा घर पे हम थे, कम से कम 6-7 दिन घर पे रेस्ट करने के बाद एक लॉन्ग टूर पे निकले हैं। अब आप लोगों को पूरा लॉन्ग लॉन्ग टूर मिलने वाला है हमारे चैनल पे, क्योंकि आपको पता ही है आप लोगों को कि जितना भी लॉन्ग टूर रहता है हम करते हैं, लोकल टूर पे हम नहीं निकलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता रोड, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गोपालपुर। अब हम पहुंचने वाले हैं नेशनल हाईवे,
अब ऊपर चढ़ जाएंगे तो भाई दिल्ली कोलकाता रोड पे चढ़ जाएंगे, इधर जाएंगे कोलकाता और इधर जाएंगे तो सीधा दिल्ली। तो चलिए कोलकाता रोड पे चढ़ते हैं। पहले पहुंच चुके भाई, लेकिन अभी सर्विस लाइन पे चल रहे हैं। अभी ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा सर्विस लाइन में। भाई चढ़ गए हाईवे पे, अब हमें कहीं पे मुड़ना नहीं है, सीधा यहाँ से चलना है रानीगंज। 450 किलोमीटर अभी इसी हाईवे पे चलते रहना है, कहीं पे भी हमें मुड़ना नहीं है। तो आगे अभी डीजल टैंक भी करवाना है फुल हमें। गाड़ी भी आ चुका है भाई, दोनों गाड़ी साथ में, एक इनोवा आ रहा है। चलो डीजल लेना है तो हम रोकेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एक सब्सक्राइबर भाई आ रहा है हमारे, देख सकते हैं यहाँ पे, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे लिखा है मुगलसराय चंदौली डेयरी और लिखा औरंगाबाद। औरंगाबाद तो भाई बिहार पड़ता है, आप लोगों को पता ही है, डेयरी भी बिहार में ही है। पहुंच चुके हम लोग पेट्रोल पंप, यहाँ पे डीजल टैंक करवाएंगे फुल। देखो भाई हर जगह ना डीजल नहीं भरवाना चाहिए, जहाँ से आप रेगुलर भरवा रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ से हम तेल भरवाते तो माइलेज सही देता है, तो हम भरवाते हैं यहाँ पे इंडियन ऑयल में, यहाँ पे हमें सही मिलता है। तो चलिए, और बाकी यहाँ पे जो हाईवे ये बनाया जा रहा है ये सीधा निकलेगा बाबतपुर। इधर है हमारे बीरेन दादा, ये जा रहे हैं भाई सागरपाड़ा। अच्छा फर्स्ट जो भाड़ा लेके गए थे वो गए थे हम सागरपाड़ा, तेल भरवा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हो रहा है इनका भी टंकी फुल और हमारा भी टंकी फुल, और जो बेंगलोर का गाड़ी है उनका भी हो रहा है टंकी फुल। क्या हाल है भाई साहब, हमारे सब्सक्राइबर मिल गए चंदौली जिला से क्या भाई? चलिए तो मिल गए हमारे सब्सक्राइबर भाई, कैसे हैं भाई लोग? कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं यूपी, गाड़ी तो राजस्थान से लोड किया है। अच्छा अच्छा, जा कहाँ रहे हैं? जा रहे अपने बाकुड़ा। बाकुड़ा, अच्छा बाकुड़ा, बिष्णुपुर बाकुड़ा। चलो ठीक है भाई, निकलता हूँ भाई, तो टाइम नहीं अपने पास। चलो ठीक है, आप कहाँ जा? पहुँच चुके हैं भाई मोहनिया टोल प्लाजा। अभी क्या है कि होली का त्योहार आप लोगों को पता है, और मोहनिया में पता नहीं कितना सारा दारू का गाड़ी यहाँ पकड़ाया होगा। अब दारू का गाड़ी क्यों पकड़ाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार में दारू बंद है और मोहनिया पड़ता है बिहार के अंदर। तो यहाँ पे भाई चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट पे होता है चेकिंग, चेकिंग के दौरान में गाड़ी पकड़ाता है। तो इसीलिए बताते हैं भाई आप लोगों को, मतलब इसीलिए आप लोगों को बताते हैं कि भाई दारू वारू लेके, कोई भी नशे का पदार्थ का चीज़ लेके गाड़ी में नहीं चलना चाहिए। बाकी हम टोल पहुँच चुके हैं, एक गाड़ी अपने साथ में बगल में जा रहा है भाई। दारू का चेकिंग करवाने के बाद मेरा गाड़ी तो बीच में से छोड़ दिया, क्योंकि भाई लोकल गाड़ी मेरा है बनारस का, लेकिन जो बंगाल का गाड़ी था उसको उधर से भेज दिया, बोल रहा है कि उधर से जाना पड़ेगा, अब पता नहीं ऐसा क्यों। तो चलिए निकलते हैं, वो धीरे धीरे अपना आता रहेगा आगे से। थोड़ा सा रोड इधर खराब है, प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से हम लोग बीच में से निकलने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जाम भी लगता है, अब एक गाड़ी वाला अगर आए घुसेगा तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो यहाँ पे बड़ा गाड़ी का चेकिंग चेक पोस्ट बनाया गया है दारू का, या फिर कागज चेक करना है, ओवर हाइट का पर्ची कटेगा, बगल में टीपी कटता है, टीपी भी कटवा सकते हैं, हम तो भाई अपना टीपी ऑनलाइन कटवा लिया करते हैं। बाकी उधर से जो गाड़ी आता है उधर चेकिंग होता है। तो निकलते हैं अभी, तो दो दो हाईवा इसमें लोड होके जा रहा है, वाह भाई वाह। और ये किसी कंपनी का है, जा रहा है काम होने के लिए। अच्छा ये नंबर है यार, ये आसनसोल का गाड़ी, ये कहीं पे लगता है काम चल रहा था, गया था ये, अब रिटर्न हो रहा है, वहाँ से वापस आ रहा है आसनसोल। और यहाँ पे देखिए हमारा सुट्टू भाई का गाड़ी जा रहा है भाई साहब देवघर, तो ये देवघर जा रहा है एप्पल लोड करके। पासिंग
फाइनली भाई कुदरा पहुंच चुके हैं, यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए। वैसे तो भाई हम लोग ज्यादा गाड़ी रोकते नहीं है, लेकिन पक्का माल है अपने पास। अभी अफराद का टाइम है, ठीक है, अफराद मतलब कि टाइम ही टाइम है। हम लोग जब पहुँचाते हैं तब आराम से पहुँचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, मतलब जल्दी वाला काम नहीं है यहाँ पे। उधर से पक्का माल लोड करेंगे, कच्चा माल करेंगे, वो तो भाई वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा। तो बिरन दादा यहाँ पे लगा दी अपना गाड़ी, दादा फ़ोन कर रहे थे कि रुके आगे आ जाओ भाई, चाय वाय पियेंगे। और ये बिरन दादा का लड़का इधर, कैसे हो भालो? तो चलिए अभी यहाँ पे चाय वाय पीते हैं। और वैसे बता दें, जब कच्चा माल हम लोड करते हैं ना, तो हम लोग का टाइमिंग है कि हम लोग इतना दूर चलेंगे, उसके बाद इस पेट्रोल पंप पे रुकेंगे या फिर इस टोल पे रुकेंगे। लेकिन अभी क्या है कि कहीं भी रोक सकते हैं, कभी भी हम लोग जा सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए हैं कुदरा क्रॉस करते ही। और भाई क्या लेके आ रहे हो आप बताओ इसमें? गन्ने वाला मशीन है मेरा, आगरा से चलकर जो गन्ना वाला मशीन होता है ना, जिसमें गन्ना पेराता है, तो वो मशीन भाई चला के आ रहा है आगरा से। कहाँ जाओगे अभी? रांची जाना है झारखंड। बगल में भाई का गाड़ी खड़ा है और भाई हमको देख के पहचान गए। और 40 के स्पीड में भाई आ रहे हैं। कितना दिन पहुंचे हैं यहाँ पे? कितना दिन? दूसरा दिन हमको यहाँ से आगरा से। अभी आज रात भर पहुँच चलाओगे तो कल सुबह पहुँच जाओगे? कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। वाह भाई, इतना मेहनत करके यार, काम करने के लिए सिर्फ जा रहे हो, फिर सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर कब चले जाओगे? सीजन नहीं, मतलब मैं छोड़ने जा रहा हूँ पार्टी को, डिलीवरी करने। अच्छा, ये किसी का गाड़ी है आप छोड़ने जा रहे हैं, पहुँचाने, मतलब कंपनी का गाड़ी है? समझ रहे हो भाई, कंपनी की गाड़ी है भाई, डिलीवर करने यार। अच्छा, मतलब क्या भाड़ा में लगा के भेज दिया था मालिक, उससे कम तेल में चला जाएगा? उससे कम भाड़ा में जाएगा, और वो मांग रहा था 30,000-40,000। अच्छा अच्छा, तो चलकर जाएगा ना, गाड़ी का प्रॉब्लम होगा वो पता भी चला। एक बार गाड़ी देख लो हमारा भी। चलिए देख लिए गाड़ी हम यहीं से। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकला जाए। बीरन दादा का गाड़ी देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा है, दादा चलिए निकलते हैं। और हमारे साथ में एक गाड़ी था, पता नहीं वो कहाँ है, अभी आगे है कि पीछे है नहीं पता। तो भाई लोग यहाँ पे अभी वीडियो भी बना रहे हैं। ये देखिए बनारस वाले भैया हैं, बिहार में मुलाकात हुआ, मेरे दिल का तसल्ली आज बहुत पूरा हो गया। चलिए भाई, जो गन्ना मशीन का बात कर रहे थे भाई, आगरा से चला के यही वाला मशीन आया है, देख सकते हैं। ये है भाई आगरा से चला के आया, देखो जनरेटर किस तरह के चालू है, दिखाओ पसंद। तो ये आगरा से आया है भाई, ये चालू हो गया, चालू हो गया, अभी देखो चला के जाएगा भाई, देखो चला के जाएगा, ये देखो ये निकला, ये निकला, निकला भाई की गाड़ी। भाई सासाराम टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। एक्चुअली जाते टाइम तो सिंगल यही रोड है, लेकिन उधर से जब सासाराम में एंटर करोगे ना, तो आपको दो टोल प्लाजा मिलेगा, एक तो ये मिलेगा और इसके आगे उस साइड में भी मिलेगा, मतलब दोनों साइड से आप टोल क्रॉस कर सकते हो, तो सही रहता है। लेकिन कभी कभी जाम भी यहाँ पर लगी जा रहा है आजकल। खुलिया भाई, खुलिया खुलिया। अशोक लाइलैंड 6 चक्का बस का चेची जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे भाई, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखो ड्राइवर साहब चला के जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं टेहरी अनसोन ब्रिज के ऊपर। भाई क्या व्यू है यार, एक नंबर व्यू। भाई पहुंच चुके हैं हम लोग धोबी चेक पोस्ट, ये भाई धोबी चेक पोस्ट, पूरा खाली खाली लग रहा है यार, पता नहीं इतना खाली क्यों है आज। चौपारण घाटी पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी मतलब घाटी से ऊपर चढ़ ही रहे थे, तो हमारे भैया लोग मिल गए। सब्सक्राइबर कैसे है भैया? बढ़िया है भैया, बढ़िया। और क्या नाम हुआ अभी आपका? राहुल अग्रवाल। राहुल आपका भैया? मेरा गणेश कुमार भैया। और भैया आपका? आप तो भैया वीडियो देखते नहीं, आप देख लीजिएगा, विकास भैया हमारे हैं। तो चलिए भाई लोगों से मुलाकात करके अच्छा लगा, बस मिल जाते हैं आप लोग भी, आप लोग का प्यार है। क्यों नहीं भैया, ये क्या बस आप लोग का प्यार है। तो अभी एक्चुअली रुके यहाँ पे, खाना पीना खाएंगे और भाई लोगों से मुलाकात भी हो गया, भैया चाय पियेंगे। नहीं 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 भैया, बस बस आप लोग अगर पीना चाहते हैं तो बोलिए, ऐसा क्या बात है, थोड़ा नाश्ता पानी करके फिर निकलेंगे। एकदम एकदम एकदम, हैप्पी जर्नी भैया। धन्यवाद धन्यवाद भैया। तो भाई यहाँ पे अभी घर का खाना भी आ चुका है, मतलब बिरन दादा अपने घर से खाना बनवा के लेके आए हैं, रास्ते में हम लोग खाएंगे। तो रुके चौपारण घाटी में खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे देखो खाना निकल रहा है, भुजिया है, पराठा है, ये देखो भाई घर का पराठा, घर का भुजिया। तो चलिए खाते हैं पराठा भुजिया। ओ सर आ जाओ भाई, आ जाओ, पराठा भुजिया निकल रहा हो खाते हैं भाई। लग चुका है यहाँ पे पराठा, सब्जी और अचार लगा के, मस्त मज़ा आ रहा है, घर का है भाई।
भाई टाइम हो चुका है रात का 10:30। पोषण गाड़ी चलाने लगा, थोड़ा सा मैं नींद आ रहा था तो हमने पोषण को बोला भाई तुम चलाओ, क्योंकि देखो दो ड्राइवर रहने से यही फायदा होता है कि एक को नींद लगे और एक गाड़ी चलाए। तो कोई दिक्कत भाई? नहीं, कोई दिक्कत होगा तो बता देना, फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई, एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो ये नींद नहीं है, ये एक आरस बनाता है। मतलब देखो बनारस से हम चढ़े तो टोटल 350 किलोमीटर अभी तक गाड़ी हम खींचे अकेले। अब बैठे बैठे क्या होता है ना, अंदर से बोरियत फील होने लगता है कि चलो एक ड्राइवर बगल में बैठा हुआ है, कम से कम वो भी, उसको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, उसको भी चलाने देना चाहिए। तो ऐसा होता है अंदर से, और दिमाग बोलता है चलो यार दे दो दे दो दे दो। तो चलो दे दिया, पोषण चलाएगा, बंगाल बॉर्डर तक लेके जाएगा, उसको अब फिर अंदर हम चलाएंगे। भाई बच चुके हैं रात का 1, हम लोग पहुंच चुके हैं मैथन टोल प्लाजा। और भाई क्या ही बताएं, इधर का रोड ना मतलब बेहतरीन बना दिया गया है, और जो मैथन में काम चल रहा था टोल प्लाजा का, वो भी यहाँ पे चालू हो चुका है। भाई मस्त मजा आ गया आज गाड़ी चला के। यार पोषण गाड़ी चला रहा था और हम बस बैठे हुए थे, हम देख रहे हैं भाई आगे पीछे एकदम इतना सारा यहाँ पर रोड चालू कर दिया गया। और बंगाल भी काफ़ी दिनों बाद हम घुसने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत दिन बाद मेन बॉर्डर से बहुत दिन बाद घुसने वाले हैं गाइस, अब पता नहीं क्या होने वाला है, चलते हैं। ये है मैथन टोल, अभी यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे टोल क्रॉस करने के बाद, क्योंकि वो जो गाड़ी वाला है साथ में आएगा, उसके बाद तीनों गाड़ी हम लोग साथ में निकलेंगे धीरे धीरे करके। तो अपना जो दूसरा वाला गाड़ी था वो भी यहाँ पे आ चुका है, तो अभी हम लोग बंगाल बॉर्डर पे रुके हुए हैं, चाय पी रहे हैं, चाय हमारा हो गया लेकिन ये लोग अभी आए, तो ये लोग को भी चाय पिला के उसके बाद फिर हम लोग बंगाल में एंटर कर जाएंगे। तो अपना गाड़ी इधर लगा हुआ है और अभी जस्ट ये गाड़ी घुसा है। तो अंकल कैसा लग रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है? अंकल का आँख निकल जाएगा। तो वही थोड़ा सा दिक्कत होता है गाड़ी में पीछे बैठ के जाने, वो भी खुला है, खुला इसलिए छोड़ा है कि ताकि दिक्कत ज़्यादा ना हो। पता है खुला नहीं रहता तो बहुत गर्मी, दिन में पता ही इतना धूप था कि गर्मी हो जा रहा था, तो इसलिए खुला रखा। अब भाई सुबह होते ही फिर से गर्मी चालू, तो बारिश का सीजन भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी ये जो अपना सफ़र बाकी है वो बहरमपुर यहाँ से बाकी है 180 किलोमीटर, और वहाँ से जियागंज 20 किलोमीटर, टोटल अपना 200 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। लेकिन ये 200 किलोमीटर जाने में भाई हमको लगता है कम से कम 5 से 6 घंटा लगेगा, क्योंकि अब भाई हम लोग हाईवे छोड़ देंगे, हाईवे छोड़ने के बाद में अंदर से जाएंगे तो थोड़ा सा रोड गड़बड़ भी मिलने वाला है, सही भी मिलने वाला है, तो उसे मैनेज करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ऊपर चला जाता है। तो चलिए यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, वेस्ट बंगाल में एंटर करते हैं। तो आसनसोल क्रॉस करके हम लोग रानीगंज में एंटर कर रहे हैं गाइस। हम लोग यहाँ से हाईवे छोड़ देंगे, हाईवे को टाटा बाय बाय कर देंगे। बात करें खड़गपुर के दूरी का, तो यहाँ से खड़गपुर पड़ेगा आपका 180 किलोमीटर, दीघा पड़ेगा 250 किलोमीटर। तो अभी हम लोग सिवड़ी वाले रोड के लिए मुड़ चुके हैं, मतलब रानीगंज पंजाबी मोड़ पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ से सिवड़ी 60 किलोमीटर बचा है। भाई यार तगड़े लेवल पे एकदम जाम लग चुका है, तो अभी हम लोग सिवड़ी से 15 किलोमीटर पीछे हैं। भाई भयंकर जाम लगा है, मतलब इतना लंबा जाम 5 किलोमीटर का, पूरा ट्रक का लाइन लगा हुआ है। भाई आराम से देख के पोषण, इधर बहुत कच्चा है पोषण, आराम से जाओ। चलो धीरे धीरे खुल रहा, धीरे निकालो इसके आगे निकालो। भाई हो चुका है सुबह, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग बहरमपुर से 85 किलोमीटर पीछे हैं, पूरा रात भर गाड़ी चलाया, अभी तक पहुंचे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा रात में, तो इसी वजह से पहुंच नहीं पाए, नहीं तो अब तक हम लोग 30 से 40 किलोमीटर पीछे रहे होते। भाई साइतिया पहुंच चुके हैं, साइतिया में लग चुका है भाई सुबह सब्जी मार्केट। ये देखिए ये सुबह का यहाँ का हाट है, लोकल टमाटर खीरा, सुबह पूरा मार्केट लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आ चुका है लोकल सब्जी। ये देखो भाई यहाँ का लोकल किसान है। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अभी यहाँ से दिखा रहा है नेट पे 38 किलोमीटर बचा है बहरमपुर। भाई सुबह हो चुका है, एकदम मस्त वाला मौसम है, बारिश वाला मौसम लग नहीं रहा है, एकदम फ्रेश है, धूप भी निकल चुका है, देख सकते हैं।
का ये कमेंट आ रहा है कि भाई अभी इलेक्शन में गाड़ी पकड़ा रहा है बहुत जगह पे, तो उसके लिए क्या करें, कैसे बचे? तो आप लोग अपने लोकल थाने में जाइए, जैसे मान लीजिए आपका जिस एरिया का गाड़ी है उस एरिया में आप जाइए, उनसे आप कागज बनवा लीजिए कि भैया हमको आप इलेक्शन कागज बना के दे दीजिए, वो आपको थाने से बना के दे देगा, ताकि आप बाहर गाड़ी लेके जाएंगे तो आपका गाड़ी पकड़ाएगा नहीं, आप उससे बच सकते हैं। हालांकि 1000 या 500 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो आपका खुद ही नहीं पकड़ेगा गाड़ी, टेंशन की बात नहीं है। और अभी गाड़ी कोई नहीं पकड़ रहा है, जब भी पकड़ेगा तो इस महीने के बाद ही पकड़ेगा, अगले महीने से। अच्छा, यहाँ पे कुछ जगह देख रहे हैं कि धान का खेती हो रहा है अभी, मतलब धान अभी लगाया जा रहा है, और सोचो कई जगह तो भाई गेहूं काटना भी चालू हो चुका है, लेकिन बंगाल में अभी धान का सीजन है, तो यहाँ पे 2 बार धान उगाया जाता है। पहुंच चुके हैं भाई कांदी ब्रिज के ऊपर, और ये बगल में कांदी बस स्टैंड देख सकते हैं, यहाँ पे ये है कांदी बस स्टैंड, यहाँ से 30 किलोमीटर बहरमपुर रह जाता है। भाई घर सामान लोडिंग करने में डर लगता था, ठीक है, कि कांदी जो ब्रिज है उसके ऊपर से हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं, लेकिन अभी डरने की बात नहीं है, अब तो हम लोग का पिकअप भी नहीं, ट्रक भी निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले का जो ब्रिज था वो ये था, ये छोटा वाला, अब भाई पूरा एकदम बड़ा सा बना दिया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो, ये पहले वाला, एक बार का बात है भाई, सामान लेके आ रहे थे, ऊपर हाइट था तो निकल नहीं पाया, अब पूरा हम लोग का सामान खाली करवाना पड़ा, खाली करवा के फिर गाड़ी इस पर लेके आए, फिर माल टोटो से लेके आए, टोटो से लेके आने के बाद फिर लोड करवा के फिर हम लोग निकले बहरमपुर के लिए, तो वो किस्सा याद है, लेकिन बन गया तो काफी अच्छा हो गया। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम लोग बहरमपुर, यहाँ से लिखा है सिलीगुड़ी और बहरमपुर 3 किलोमीटर लिखा है, और लाल बाग भी इधर ही जाना है, तो बस जस्ट इधर मुड़ेंगे, ब्रिज क्रॉस करेंगे, बहरमपुर पहुंच जाएंगे। फाइनली भाई चढ़ चुके हैं हम लोग ब्रिज के ऊपर, तो ये बहरमपुर ब्रिज, तो हम लोग बहरमपुर पहुंच चुके हैं अभी, और दादा लोगों को बता देते रास्ता, ठीक है भाई चलो दादा, चलिए आप, ठीक है मुलाकात होता है फिर बाद में आप लोगों से, चलिए आपको सीधे जाना है रेलवे फाटक क्रॉस करके, ठीक है पता कर लीजिएगा आप, बाकी देखे हुए हैं, ठीक है चलिए टाटा, मिलते हैं बाद में फिर बनारस में। यहाँ पे मिल गया हमारे एक सब्सक्राइबर भाई, कैसे हो भाई? अच्छा, हेलो, कहाँ से? बहरमपुर। बहरमपुर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय। हम लोग भाई जियागंज जाने वाले हैं, जियागंज बाय बाय जाना है ना, ठीक है भाई, ठीक है निकलता हूँ तब, ओके चलो। अब हम लोग पहुँच चुके हैं मुर्शिदाबाद हजार दुआरी गेट, तो देख सकते हैं भाई ये हजार दुआरी गेट, तो भाई भट्टोपाड़ा हम लोग पहुँच चुके हैं, जस्ट भट्टोपाड़ा शमशान घाट अभी पार किए हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड है ये पिछली बार आया था तो बनाया जा रहा था, और अभी बन के कम्प्लीट भी हो चुका है, ये देखिए भाई गजब का व्यू इधर का लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है चलने में। तो गाड़ी को साइड में लगा दिया है भाई, अभी जा रहे हैं नाश्ता पानी करने के लिए, तो नाश्ता में खाने वाले हम लोग दाल कचौड़ी यहाँ मिलेगा, और सब्जी खाने के बाद फिर पहुँचेंगे, गाड़ी खाली करवाएंगे। यहाँ पे भाई दाल पूरी बनाया जा रहा है एकदम गरम गरम, ये देखिए अंकल बना रहे हैं, कौन सा दाल का बनता है ये? छोला चना दाल का। चलिए नाश्ता लग चुका है, दाल कचौड़ी अब खा के बताते हैं, खा ही लें कब से, एक नंबर टेस्ट है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगो कॉलेज नेताजी मोड़, ये है भाई नेताजी मोड़ देख सकते हैं जस्ट बगल में हम लोग, अभी कितना दूर जाना है भाई हम लोग को? अभी 2 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर, तो अभी हम लोग का सफर 2 किलोमीटर का रह गया है, और देख सकते हैं ये मंदिर अभी यहाँ पे नया बना है भाई, गजब का मंदिर है यार ये देखो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सौदर घाट, बगल में सौदर घाट, अभी हम लोग को इधर जाना है, कहाँ जाना है, काशी नगर,
काशीगंज क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अच्छा तुम्हारे बड़े पापा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सौदर घाट, बगल में सौदर घाट। अभी हम लोग को इधर जाना है, कहाँ जाना है? काशी नगर, काशीगंज। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अच्छा तुम्हारे बड़े पापा है। तो पहुंच चुके हैं भाई जहाँ पे गाड़ी को खाली करना था। अभी पहुंचने के बाद क्या है कि तिरपाल रस्सा को खोलना पड़ रहा है। तिरपाल तो नहीं लगाए थे, सिर्फ रस्सा बंधा हुआ था, तो पोषण अभी खोल रहा है, रस्सा खोल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अभी गंगा जी नहाने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सब भाड़ा पूछते हैं, भाड़ा क्या लगा था क्या नहीं लगा था सब कुछ आप लोग बनारस पहुंचने के बाद बताएंगे कि कितना रुपए टोटल हमको भाड़ा लगा है और क्या बचत हुआ है। ठीक है, जब तक बनारस पहुंचेंगे तब तक कैसे बता दें। तो चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। प्यार में सपोर्ट ऐसे ही बना रखिएगा क्योंकि आपका ही मेहनत करेगा और आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आता रहेगा। सामने देख सकते हैं गाड़ी अभी खाली होना चालू हो चुका है, वो वाला गाड़ी, मतलब दो गाड़ी टोटल साथ में आया है, एक ही पार्टी का माल लेके दो गाड़ी आया है। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।